कांग्रेस आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। कांग्रेस का आज एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलकर इस मुद्दे को पेश करेगा। इसी बीच हमारे संवाददाता कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलमान खुर्शीद जी मौजूद हैं। सर, आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा है, क्या बात हो रही है? जी, अब देखिए, जो यहाँ बात हो रही है उसी को सम्मानित एक तरीके से राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा, इसलिए कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसलिए राष्ट्रपति जी के सामने रखना हम अनिवार्य समझते हैं। उसके बाद जब वहाँ चर्चा होगी, उसके बाद कोई आश्वासन मिलता है नहीं मिलता है, राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं तभी पता चलेगा। सर, आज कांग्रेस की तरफ से 1000 लोगों को अनुमति मिल गई थी, दिल्ली पुलिस ने भी अनुमति दे दी थी, लेकिन कई कांग्रेस के नेता ऐसे जिनको अंदर नहीं आने दिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया दिल्ली पुलिस द्वारा। इस बात की हमको शिकायत है कि हमको एक दफ़ा आज्ञा मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, उसके बाद भी पूरा सहयोग नहीं मिलता, ये अच्छी बात नहीं है। सर, संबित पात्रा ने भी कहीं ना कहीं तंज कसा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस इस तरीके से जो सारी चीज़ें कर रही है इससे जो विरोध कर रहे हैं छात्र उनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत असर पड़ रहा है, आग में घी डाल रही है कांग्रेस। नहीं, घी डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, आग की बात किसने शुरू करी है और हम घी क्यों डालेंगे। जब हम आग बुझाने की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आग कैसे बुझनी चाहिए इस पर बात की आवश्यकता है तो बात करें, सबसे बात करें, नौजवानों से बात करें, फौज से बात करें, उसके बाद फिर तय करें। मंत्रालय की तरफ से कल साफ कह दिया गया है कि सर ये जो योजना है इसको वापस नहीं किया जाएगा। वो किसानों वाले बिल भी नहीं वापस लेने वाले थे, लेकिन फिर लिए ना, बोलिए वो ना लें वापस, हमको जो करना है वो तो हम करेंगे, हमको ये बात पहुंचानी है जो देश के कोने कोने तक हम पहुंचाएंगे। कब तक सत्याग्रह जारी रहेगा? जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद, इनसे बातचीत की है। आज कांग्रेस का सत्याग्रह 2.0 दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जहां से एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होती है इसी तरीके से सत्याग्रह कांग्रेस जारी रखेगी। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से।